फरुखाबाद में कार्तिक पूर्णिमा पर विभिन्न घाटों में सुदूर क्षेत्रों से आए लाखों महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने गंगा के विभिन्न घाटों पर डुबकियां लगाई व पूजा अर्चना की। इस दौरान बाजारों में भी भारी चहल पहल रही। इनमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल रहे। विभिन्न घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हर हर गंगे के गगनभेदी उद्योगों के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाई। गंगा स्नान के साथ श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर स्थित विभिन्न देवी देवताओं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर अपने तीर्थ पुरोहित को यथाशक्ति दान दिया। पांचाल घाट पर तड़के से ही, बल्कि यह कहिए कि मध्यरात्रि से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई थी। पूर्णिमा पर गंगा स्नान के लिए गंगा घाट जाने वाले श्रद्धालुओं की रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर खासी भीड़ रही। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के साथ दान आदि का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग भारत की मुख्य और आध्यात्मिक नदी गंगा के पावन जल में स्नान कर शुद्ध व पवित्र होने और जाने आजमाने हुए अपकृतियों को गंगा माँ को समर्पित करने की कामना रखते हैं। तमाम लोग पतित पवानी गंगा के किनारे धार्मिक कर्म कांड करवाने की महत्वाकांक्षा से जाते हैं, तो तमाम ऐसे भी हैं जो घर में संपन्न पूजा गंगा के गहरे पानी से बचाने के लिए गंगा में बैरिकेडिंग बनाई गई। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। यातायात व्यवस्था में कोई अवरोध ना हो, इसको देखते हुए मैनपुरी, शाहजहांपुर, कन्नौज और हरदोई जिले की सीमा में बड़े वाहनों को गुरुवार रात से ही जाना बंद कर दिया। फरुखाबाद से संवाददाता रघुवंश दुबे की रिपोर्ट। सावित्री जी, ये बताइए, आप गंगा स्नान करने किस श्रद्धा के साथ आई हैं? परिवार के साथ आए, श्रद्धा से सब साल आते हैं यहाँ पर, गंगा स्नान करते हैं और सब लोग परिवार खुश रहे, इसी कामना के लिए सब लोग आते हैं हम लोग। आज माफी है, गंगा स्नान है, लाखों श्रद्धालु आते हैं गंगा घाट पर, क्या महत्व है इसका? यह महत्व तो देव दीपावली का जो पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है। वर्ष में दो माघ सबसे विशेष माने गए महीने माने गए हैं, जिसमें माघ महीना और कार्तिक महीना स्नान दान का विशेष माना जाता है। इसी कार्तिक माघ में जो है देव मनुष्यों के द्वारा दीपावली मनाई जाती है, जिससे पहले अनंत चतुर्दशी पड़ती है, उसको नर चतुर्दशी कहते हैं। और यह जो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा है, यह देवताओं के द्वारा दीपोत्सव मनाया जाता है। इससे पहले चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है। आज के दिन व्रत पूर्णिमा और स्नान दान की साथ में रही, बहुत सारे लोग आए इस जिन्होंने स्नान किया। इसी उत्सव के उपलक्ष्य में यह गंगा जी का आरती का कार्यक्रम श्री कैलाश सेवा संस्थान द्वारा कार्य संपन्न कराया गया।